हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा वीडियो कल का है और कल मैंने सारा सामान नीचे उतार कर रख लिया था क्योंकि पहले मैंने नीचे की सफाई की। नीचे सफाई करके ऊपर आई, ऊपर कर निकालने के बाद मैं झाड़ू पोछा करने के बाद मतलब मैं आराम की। तो देखिए, मैंने कल थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था कि मतलब कैसे पूरा मैनेज करते हैं एक साथ इकट्ठा काम करने में बहुत सारा लोड हो जाता है। थोड़ा थोड़ा काम करने से तो बॉडी को भी थोड़ा आराम मिल जाता है और मेरे हाथ में पेन भी है। तो मैं कल अकेली थी, मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो मैं सोची चलो एक काम कर लेती हूँ। तो मैंने सीढ़ी रख के और सारा सामान मैं निकाल नीचे रख दी थी जिससे आराम हो जाएगा कल के लिए, क्योंकि कल है ना मुझे मतलब आज कलर करना था, इसलिए मैंने कल ही इसको निकाल के रख लिया था। डर भी लग रहा था क्योंकि सीढ़ी लोखन कभी भी एक साइड में लोड हो जाए तो गिर भी था, बहुत डर रही थी अंदर ही अंदर, पर करना तो था ही। तो मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ। और देखिए, मैं इसे चढ़ करने के बाद सबसे मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अकेले घर पे कोई है भी नहीं कि गिर जाऊँ तो कोई बचा भी ले। और जो आपको सामान दिख रहा है ना, सच में अपना सामान नहीं है। और इसको हर बार मैं, अरे यार छिपकली, मुझे मतलब हर बार ऐसे ही बार बार उठाती हूँ, निकाल के रख देती हूँ, फिर निकाल ऊपर चढ़ा देती हूँ। ये हमारे घर पे मतलब एक अंकल रहते थे किराए पे और वो छोड़कर चले गए, आज तक अभी घर नहीं आए वापस और गांव चले गए और उनका सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। सच में मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अकेले हूँ घर पे, कोई है भी नहीं, गिर जाऊँगी तो कोई बचाने भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई है भी नहीं, और मेरा बच्चा वो भी सो रहा है, उसके ऊपर गिरूँगी दम मचूँगी। और ये थोड़ा हिल भी रही है तो मुझे और डर लग रहा है, पता नहीं अंकल कब आएंगे। मेरे रूम का सामान नहीं है, एक अंकल रहते थे और वो मतलब चले गए गांव, अभी 3-4 सालों कभी आए ही नहीं। मुझे हर साल ऐसे ही मतलब कचरा को निकाल कर रखना पड़ता है, फिर साफ करके फिर रखना पड़ता है, और इनको हम कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं आएंगे बोले हमारा बर्तन कहाँ है, क्या करेंगे फिर। इसलिए सच में यार बार बार इसको निकालो, उतारो, रख दो, इतना ही इनका होता है, ऐसे ही सारा टाइम चला जाता है। और मुझे कली भी है तो भी और डर लग रहा है। और मैं सारा सामान उतार करके नीचे रख दूंगी, उसको साफ़ करूंगी, फिर जाके पुताई करेंगे और हम कलर करने वाले हैं अपने रूम का, और फिर उसके बाद शायद वॉलपेपर लगा दूँ तो और अच्छा लगेगा। और देखिए, मैं इनका सारा बर्तन निकाल के नीचे रख रही हूँ। अभी शाम को धनतेरस है ना, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करना है। और माँ लक्ष्मी आप सभी के घर को धन वैभव संपन्न सब कुछ दे, जिस चीज़ के आप हकदार हैं इस धनतेरस पर आपका घर धन से भरा हो और माँ लक्ष्मी की आपकी कृपा बनी रहे। तो जिस चीज़ को आपको ज़रूरत हो माँ लक्ष्मी आपकी पूरी करे। मेरी मनोकामना यही है कि आपका घर धन सैंपो वैभव से भरा हो, और मैं आपको यही दुआ करूँगी कि जो भी पुराने गिलवे सिकुन दूर करे। जिस तरह हम घर की सफाई करने के बाद हमारा रूम घर कितना अच्छा लगता है, एकदम खिला खिला लगता है, उसमें शाइनिंग आती है, वैसे ही हमको भी अपने मन दिल दिमाग से पुराने कचड़े को, पुराने गंदगी को निकाल देना चाहिए। जो भी लड़ाई झगड़े दोष भावनाएं मन में भरी उनको निकालिए और देखिए फिर आप कितने अच्छे दिखो, कितने सुंदरता शरीर से नहीं होती मन से होती। अगर आपका मन अच्छा है तो आप लाख गलती करोगे तो भी लोग आपको एक बार माफ़ करने में ज़रूर सोचेंगे। इसीलिए अपने मन में जो भी बुराई उनको मिटाइए और इस धनतेरस को आप लोग अच्छे उमंग के साथ त्यौहार मनाइए। और इस पर्व पर आप अच्छी सोच के साथ, नए जोश के साथ, अपने सपने के साथ उमंग भरी साल भर ऐसे ही खुश रहें, यही माँ धनतेरस लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगी। और माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखे।